आज हम आपको देश के प्रमुख गणेश मंदिरों में से एक अष्टविनायक मंदिर के बारे में बता रहे हैं। दरअसल पुणे के विभिन्न इलाकों में श्री गणेश के 8 मंदिर स्थित हैं। इन्हें अष्टविनायक कहा जाता है। इन मंदिरों को स्वयंभू मंदिर भी कहा जाता है। स्वयंभू का अर्थ है कि यहाँ भगवान स्वयं प्रकट हुए थे, यानी किसी ने उनकी प्रतिमा स्थापित नहीं की थी। इन मंदिरों का जिक्र विभिन्न पुराणों जैसे गणेश और मुद्रल पुराण में भी किया गया है। ये मंदिर अत्यंत प्राचीन है और इनका ऐतिहासिक महत्व भी है। इन मंदिरों की दर्शन यात्रा को अष्टविनायक तीर्थ यात्रा भी कहा जाता है। अष्टविनायक मंदिर के संबंध में मान्यता है कि तीर्थ गणेश के ये 8 पवित्र मंदिर स्वयं उत्पन्न और जागृत हैं। धार्मिक नियमों से तीर्थ यात्रा शुरू की जानी चाहिए। यात्रा निकट मोरगांव से शुरू कर और वहीं पर समाप्त होनी चाहिए। पूरी यात्रा 654 किलोमीटर की होती है। पुराणों व धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने भविष्यवाणी की थी कि हर युग में श्री गणेश विभिन्न रूपों में अवतरित होंगे। सतयुग में विनायक, त्रेता युग में मयूरेश्वर, द्वापर युग में गजानन व धूम्रकेतु नाम से कलयुग के अवतार लेंगे। भगवान गणेश के 8 शक्तिपीठ महाराष्ट्र में ही हैं। दैत्य प्रवृत्ति के उन्मूलन के लिए ये ईश्वरीय अवतार हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दर्शकों, हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूजनीय माना जाता है। वह श्री गणेश आदि सनातन धर्म के प्रमुख आदि पंचदेव में भी शामिल है। अन्य भगवानों की तरह ही श्री गणेश जी का भी हर साल एक प्रमुख त्यौहार गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को आता है। वह इस दौरान श्री गणेश जी का गणेश उत्सव 10 दिनों तक पूरे देश में जगह जगह मनाया जाता है। मयूरेश्वर विनायक का मंदिर पुणे के मोरगांव क्षेत्र में है। पुणे से करीब 80 किलोमीटर दूर मयूरेश्वर मंदिर के चारों कोनों में मीनारे और लंबी पत्थरों की दीवारें हैं। यह 4 धाम भी है जिन्हें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग चारों युग का प्रतीक माना जाता है। गणेश जी की मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में है और उनकी सुनवाई और उनकी 4 भुजाएं एवं 3 नेत्र हैं। कहते हैं किसी स्थान पर गणेश जी ने सिंदूरासुर नाम की राक्षस का वध मोर पर सवार होकर उससे युद्ध करते हुए किया था, इसी कारण उनको मयूरेश्वर कहा जाता है। सिद्धिविनायक मंदिर करजत तहसील अहमदनगर में है। यह मंदिर पुणे से करीब 200 किलोमीटर दूर भीम नदी पर स्थित है। यह मंदिर करीब 200 साल पुराना बताया जाता है। सेंटिंग में भगवान विष्णु ने सिद्धियां हासिल की थी। वहीं एक पहाड़ की चोटी पर सिद्धिविनायक मंदिर बना हुआ है। पाली गांव रायगढ़ में इस मंदिर का नाम गणेश जी के भक्त बल्लाल के नाम से रखा गया है। बल्लाल की कथा के बारे में कहते हैं कि इस परम भक्त को उसके परिवार ने गणेश जी की भक्ति के चलते उनकी मूर्ति सहित जंगल में फेंक दिया था, जहां केवल गणपति का स्मरण करते हुए उन्होंने समय बिता दिया था और इसी से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसे स्थान पर दर्शन दिए और कालांतर में बल्लाल के नाम पर उनका यह मंदिर बना है। रायगढ़ के कोल्हापुर में वरद विनायक मंदिर एक मान्यता के अनुसार वरद विनायक भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा होने का वरदान देते हैं। एक कथा यह भी है कि इस मंदिर में नवदीप नाम का दीपक है जो कई वर्षों से लगातार जल रहा है।
नदियां भी मूला और मूसा के संगम पर स्थित थे और गांव में यह चिंतामणि मंदिर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि विचलित मन के साथ इस मंदिर में जाने वालों की सारी उलझने दूर होकर उन्हें शांति मिलती है। लेनियाद्री तीन गांव में गिरिजात्मज अष्ट विनायक मंदिर स्थित है, जिसका अर्थ है गिरिजा के आत्मज्ञानी माता पार्वती के पुत्र अर्थात गणेश। यह मंदिर पुणे नासिक राजमार्ग पर होने से करीब 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसे लिंग यात्री पहाड़ पर बौद्ध गुफाओं के स्थान पर बनाया गया है। पुणे की ओझा जिले के जुनून क्षेत्र में यह मंदिर स्थित है। पुणे नासिक रोड पर करीब 85 किलोमीटर दूरी पर यह मंदिर बना हुआ है। एक किदवंती के अनुसार विग्र आशु नाम का सूर जब संतों को प्रताड़ित कर रहा था, तब भगवान गणेश ने इसी स्थान पर उनका वध किया था। तभी से यह मंदिर विघ्नेश्वर, विघ्नहर्ता और विग्रहर के रूप में जाना जाने लगा। महागणपति मंदिर रंजन गांव में स्थित है। इस मंदिर को 9वीं-10वीं सदी के बीच का माना जाता है। पूर्व दिशा की ओर मंदिर का बहुत विशाल और सुंदर प्रवेश द्वार है। यहाँ गणपति की मूर्ति को माओ तक नाम से जाना जाता है। एक मान्यता के अनुसार विदेशी आक्रमणकारियों से रक्षा करने के लिए इस मंदिर की मूल मूर्ति को तहखाने में छुपा दिया गया। गणेश उत्सव हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है और ये त्यौहार भारत के विभिन्न भागों में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कई जगहों पर भगवान गणेश की बड़ी बड़ी मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, तो वहीं इन 9 दिनों तक घरों में भी बड़ी ही श्रद्धा के साथ भगवान गणपति की पूजा अर्चना की जाती है। इस प्रकार से हमने आपको महाराष्ट्र के इन 8 अष्ट विनायक मंदिरों के दर्शन करवाए। इन 8 पवित्र तीर्थ में 6 पुणे में है और 2 रायगढ़ जिले में। सबसे पहले मोरेगांव के मोरेश्वर की यात्रा करनी चाहिए, उसके बाद क्रम में सिद्धटेक, पाली, महाड़, थियूर, लेनांडरी, ओझर, राजनगांव और उसके बाद फिर से मोरेगांव अष्ट विनायक मंदिर में अपनी यात्रा समाप्त करनी चाहिए। भगवान गणेश जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। इन बिसिन के सभी दर्शकों को गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन बिसिन न्यूज के लिए रूपा पंडित, ब्यूरो रिपोर्ट।